हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, कंप्लीट गोवा टूर से रिलेटेड। इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें आपको मैंने गोवा का सारा डिटेल, आई मीन डे वन डे टू एपिसोड वाइज उस वीडियो को डाला था। बट ये जो वीडियो है ये है कम्प्लीट गोवा टूर से रिलेटेड, कि अगर गोवा घूमने के लिए जाना है तो टोटल कितने का बजट होना चाहिए, वहाँ पर कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं घूमने के लिए, इन सबसे कम्प्लीट रिलेटेड ये वीडियो है। तो गाइज, इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और जो लोग गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर बात करें घूमने और मस्ती करने की तो सबसे पहले नाम आता है गोवा का, क्योंकि गोवा फेमस है अपने लैंड और बीचेस के लिए, नाइट लाइफ के लिए, शॉपिंग, वाटर स्पोर्ट और स्कूबा डाइविंग के लिए। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट गोवा टूर का सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप गोवा घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोवा कैसे पहुँचा जाए, यहाँ पे होटल और रिजॉर्ट्स के क्या रेट है, यहाँ पे कौन कौन से जगह पे घूमा जाए और यहाँ पे घूमने का सही तरीका क्या है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कंप्लीट बजट के। तो गोवा टूर के ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज घूमते हैं गोवा के शानदार वादियों में। दोस्तों, गोवा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। साउथ गोवा फेमस है अपने पीसफुल नेचर के लिए, लेस क्राउडेड बीचेस, ओल्ड चर्च एंड टेंपल्स के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें नॉर्थ गोवा की तो नॉर्थ गोवा फेमस है डांस, पार्टी, नाइट लाइफ, वाटर एक्टिविटीज, इन सब के लिए फेमस है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम नॉर्थ गोवा घूमेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से इस वीडियो को कि गोवा कैसे पहुंचा जाए। यहाँ पर आने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन से। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है थिविंग रेलवे स्टेशन। यहाँ से बागा बीच और कैलंगोट बीच, ये दोनों 20 से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। इसके अलावा आप मडगांव और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन भी जा सकते हो, वहाँ से आपको प्रॉपर ट्रेन मिल जाएगा। थिविंग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बागा बीच और कैलंगोट बीच जाने के लिए गवर्नमेंट टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, बस, ये सब आपको मिल जाएगा। वहाँ से 20 से 22 किलोमीटर आगे जाने के लिए गवर्नमेंट टैक्सी आपको चार्ज करता है 900 से लेके 1000 रुपये, और वहीं पर प्राइवेट टैक्सी जो होते हैं वो आपको चार्ज करते हैं 700 से लेके 800 रुपये। शेयरिंग टैक्सी जो होता है वो आपको 200 से लेके 250 रुपये चार्ज करते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ ऑटो की, तो अगर आप ऑटो रिजर्व करके लेके जाते हो तो 500 से लेके 600 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं, और उसके बाहर ही आपको मिल जाएगा बस। अगर आप बस करना चाहते हो तो आपको मेन रोड तक जाना पड़ेगा। अगर आप बस लेते हो तो बस में आपको 30 रुपये का किराया दे के आपको मपूसा बस स्टैंड उतरना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहां से दूसरा बस लेना पड़ेगा जो कि कैलंगुट बस स्टेशन पर आपको उतारेगा। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आपको डेवोलिम एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। ये नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच में है। यहाँ से आपको बागा बीच और कैलंगुट बीच जाने के लिए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, और उसके आगे जाने के लिए आप यहां से प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हो। उसका जो प्राइस रहता है वो 1200 से लेके 2000 तक का उनका रेट रहता है। अब बात करते हैं कि होटल और रिजॉर्ट्स कहाँ लिया जाए। अगर आप गोवा घूमने के लिए आते हो, थोड़ा सा शांत एरिया पसंद करते हो, तो आप एरम्बोल बीच की तरफ ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा रश वाला एरिया पसंद है तो आप बागा बीच और कैलंगुट बीच की तरफ ले सकते हो। वहाँ से बागा बीच से अगर आप पंजिम की तरफ जाते हो तो वहाँ से 16-17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी आप होटल बुक करो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो बीचेस से 500 मीटर के एरिया में ही रहे। यहाँ पे जो होटल का रेट रहता है वो 1200 से स्टार्ट हो जाता है और 50,000 तक के रेंज में रहता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप किसी भी बजट में ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है।
गोवा घूमने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रेंटेड स्कूटी लो। उसके चार्जर 300 से लेके 500 रुपए पर डे के चार्जेस रहते हैं। पेट्रोल आपको अपने अकॉर्डिंग डलाना रहता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हो। प्राइवेट टैक्सी हायर करने पे 2500 से लेके 3000 इनके पर डे के चार्जेस रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप भाई बस घूम सकते हो अगर आप थोड़ा सा सस्ता और आराम से घूमने का सोच रहे हो तो। बस के जो चार्जेस रहते हैं वो 400 से लेके 500 इनके चार्जेस रहते हैं और इसके अंदर 4 to 5 प्लेसेस इंक्लूड रहते हैं। तो बस जो है आपको मॉर्निंग में 9 o'clock मिल जाएगा और इवनिंग में जहाँ से ये लोग पिक करते हैं वहीं पर आपको ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं एरम्बोल बीच की तरफ। एरम्बोल बीच जो है वो लेस क्राउडेड बीच है। आप यहाँ पे अपना एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूँ नाइट टाइम में, तो रात के टाइम में यहाँ का व्यू बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स और पार्टी पब स्टार्ट हो जाता है। इसके नियर बाई है मॉर्जिम बीच। मॉर्जिम बीच भी ऑलमोस्ट एरम्बोल बीच की तरह है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं अंजुना बीच। अंजुना बीच जो है ये थोड़ा सा रॉकी और डेप्थ वाला बीच है। तो यहाँ पे केवल वाटर की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बनाना राइड है, पैरासीलिंग है, बोट राइड, स्कूबा डाइविंग, ये सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो आप बार्गेन भी कर सकते हो। पैरासीलिंग जो रहता है वो 1200 से लेके 2000 तक का रहता है और बोट राइड जो है वो 500 पर पर्सन रहता है। अगर आपको बोट राइड करना है तो आप पहले ही बात कर लो कि ये लोग कितने किलोमीटर तक के एरिया को कवर करेंगे, नहीं तो ये लोग उतना कवर नहीं करते हैं। और अब आगे की तरफ हम चलते हैं मीरामार बीच। मीरामार बीच जो है यहाँ पर डॉल्फिन व्यू अगर आपको देखना है तो आप डॉल्फिन व्यू देख सकते हो। और इसका जो रेट रहता है वो 300 पर पर्सन रहता है। ये बिल्कुल अंदर की तरफ ले जाते हैं और अराउंड 1 hour का ये रहता है सब कुछ, और 1 hour में ये डॉल्फिन व्यू पूरा दिखाते हैं। और अगर आपको क्रूज़ पे पार्टी करना है, आपको क्रूज़ पे जाना है, तो आप क्रूज़ पे भी जा सकते हो और उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। इसका जो रेट रहता है वो 500 पर पर्सन रहता है। आप अनलिमिटेड डांस और फन जाके कर सकते हैं। अब बात करते हैं चर्च की। अगर हमें चर्च की तरफ जाना है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फेमस चर्च हैं, जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस चर्च है। यहाँ पे फ्रेंस जीसस की बॉडी को रखा गया है। और उसके अलावा है इमोकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च, जो कि ये भी काफ़ी फेमस चर्च है। आए दिन यहाँ पे अलग अलग मूवीज़ की शूटिंग होती रहती हैं, तो यहाँ पर भी जाके आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं डोना पोला बीच की तरफ। ये भी काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा बीच है। यहाँ पे भी वाटर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक ये सेम अंजुना बीच की तरह ही है वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, कि यहाँ पर आपको पैरासीलिंग मिलेगा, स्कूबा डाइविंग है, बोट राइड है और जेट स्कीइंग भी आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे पैरासीलिंग करते हैं तो 1500 पर पर्सन चार्जेस हैं, और अगर आप जेट स्कीइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 200 रुपीज़ चार्जेस हैं। और अगर इसके बिल्कुल यहीं पर सेल्फ़ी पॉइंट है तो आप सेल्फ़ी पॉइंट पे भी जाके अपना फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए भी अलग से चार्जेस हैं, 200 रुपीज़ चार्जेस से। इवनिंग टाइम में आप वहाँ पे सेल्फ़ी जाके क्लिक करा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस और काफ़ी क्राउडेड बीच है क्योंकि यहाँ पर भी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। सिंगम मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई थी। बागा बीच और कैलंगूट बीच जो है ये भी काफ़ी क्राउडेड और फेमस बीच है, लाइक अंजुना बीच की तरह और डोना पोला बीच की तरह ही सेम है। तो अब चलते हैं हम कैशिनोज की तरफ। अगर आपको कैशिनो जाना है तो वहाँ पर भी जाके एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। हाँ, अगर प्राइस और रेट की बात करूँ तो रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे 2500 का टिकट रहता है, जैसे मैजेस्टिक जॉय है और बहुत सारे कैशिनोज हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कैशिनोज के प्राइस सेम रहते हैं। 2500 का टिकट रहता है जिसके अंदर ड्रिंक इंक्लूड नहीं रहता है। अगर आपको ड्रिंक लेना है तो 3000 पर पर्सन टिकट रहता है, उसके अंदर अनलिमिटेड ड्रिंक्स इंक्लूड रहते हैं। हाँ, अगर आपको कैशिनो जाना है तो आपको फॉर्मल्स वेयर करना रहेगा, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हैं। और अगर आपके साथ में किड्स हैं तो किड्स के लिए अलग से चार्जेस हैं। अगर वो 5 से नीचे हैं तो उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और अगर वो 5+ हैं तो उनके लिए 1500 का टिकट है। तो यहाँ पे जाके आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अनलिमिटेड फूड्स, अनलिमिटेड ड्रिंक्स, और जाके आप गेम खेल सकते हो। गेमिंग एरिया जो रहता है वहाँ पे किड्स को अलाउ नहीं किया जाता है। तो कैशिनो अगर आप जाएँ तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो
दोस्तों अब चलते हैं अगोड़ा फोर्ट। अगोड़ा फोर्ट जो है वह काफ़ी फेमस किला है। इसे 17 सेंचुरी में पुर्तगाल्स के टाइम पे बनाया गया था। यहाँ पर एक लाइट हाउस है। बाद में इस किले को कन्वर्ट कर दिया गया था जेल में। यहाँ से अरब सागर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। यहाँ पर आप सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ पर सेल्फी क्लिक करा सकते हैं और अच्छा समय बिता सकते हैं। तो अब यहाँ से निकलने के बाद चलते हैं सिंकोरियम बीच, जो कि यहाँ से बिल्कुल नियर बाई है। और यहाँ जो लोग अगोड़ा फोर्ट आते हैं वो लोग सिंकोरियम बीच जरूर जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल नियर बाई है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ पे सेल्फी क्लिक करा सकते हैं और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो देखते ही बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खाने पीने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर खाने पीने से सी फूड्स और बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग राइड्स होते रहते हैं, तो आप राइड्स के भी मज़े ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि गोवा फेमस अपने नाइट लाइफ पब पार्टीज़ के लिए। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो यहाँ पे खाने पीने का किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेज में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन में आपको अलग अलग टाइप के सी फूड और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि गोवा अगर घूमना है तो कितने डेज़ का प्लान किया जाए और बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए आने का। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप मानसून टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करो, और बेस्ट टाइम जो होता है यहाँ आने का वो होता है अक्टूबर से जून का रहता है। तो आप अक्टूबर से जून के बीच में प्लान कर सकते हैं और यहाँ आकर मस्ती कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि गोवा आने के लिए कितने डेज़ का टूर प्लान किया जाए। अगर आप गोवा आते हैं तो नॉर्थ गोवा के लिए 3 डेज़ और 2 नाइट, साउथ गोवा के लिए 1 डे आपके लिए इनफ रहेगा। यानी 4 डेज़ + 3 नाइट साउथ गोवा प्लस नॉर्थ गोवा, आप पूरे गोवा को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बजट की। अगर आप गोवा घूमने के लिए आते हैं, 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के बीच में 12,000 से लेके 14,000 प्लस ट्रेन टिकट, नॉर्थ गोवा आप 3 डेज़ 2 नाइट बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। अगर आप साउथ गोवा को भी घूमना चाहते हैं तो 18,000 से 20,000 प्लस ट्रेन टिकट, नॉर्थ गोवा प्लस साउथ गोवा 2 पर्सन्स के लिए इनफ है। आप इतने में मैक्सिमम प्लेसेस को कवर करके घूम सकते हैं। तो दोस्तों गोवा से रिलेटेड मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। जो लोग गोवा आने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। आप इसके हेल्प से आप प्लान बना सकते हो अपने बजट का। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि वो लोग कहाँ से देख रहे हैं। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।